इस तरह से दो लोग मिलकर बकरी को अच्छे से बकरी को पकड़ लें ताकि दवा फेफड़ों में ना जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बकरी बकरियों की गैस की समस्या के बारे में, जिसे कि हम आफ्रा ब्लॉड भी बोलते हैं। जो गैस की समस्या है बकरी बकरियों में, वो बहुत ही भयंकर समस्या है। अगर समय से हम हमारे बकरी बकरियों की गैस का इलाज ना करें, उन पर ध्यान ना दें, तो ऐसे में हमारे बकरी बकरियों की मृत्यु भी हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको हमारे फार्म की एक ऐसी बकरी जिसके पेट में गैस हो चुकी है, प्रैक्टिकल करके आपको उसका इलाज बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हमारे फार्म पर है और ये हमारे फार्म की सिरोही नस्ल की बकरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर बकरी कमजोर है तो उसके पेट में गैस अलग से दिखेगी, पर अगर बकरी हेल्दी है इस टाइप से, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि उसके पेट में गैस है या नहीं। तो ऐसे समय में क्या करें, कैसे पहचानें? तो आपको करना कुछ नहीं है, इस टाइप से आपको बजाकर देखनी है कि बकरी के पेट में गैस है या नहीं। तो इसका पेट जो है ढोलक जैसे बज रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि इसके पेट में गैस है। तो ध्यान रहे कि अगर बकरी के पेट में गैस कम है तो आप देसी नुस्खों की तरफ जा सकते हैं। जैसे देसी कई तरह के इलाज है जो बकरी के गैस में आफ्रे में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर जब गैस कम हो तब उन देसी नुस्खों का इस्तेमाल करें। अगर बकरी के पेट में गैस ज्यादा है, वो मुंह खोल के सांस लेने लगी है या उठना बैठना कर रही है, तो आप देसी इलाज ना करें। आप उस समय एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जो बहुत शानदार रिजल्ट दे। तो ऐसी एक दवा मेरे पास है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये है टायरल। जी हाँ, इसका नाम है टायरल। ये 100 ml की बॉटल के साइज में आती है। इसे आप, अगर आपका छोटा जानवर है तो आप 20 ml पिला सकते हैं। अगर जानवर इस साइज का बड़ा है तो आप उसे 40 से 50 ml पिला सकते हैं। इस दवा का रिजल्ट इतना ज्यादा शानदार है कि 15 से 20 मिनट में आपकी बकरी को आराम हो जाएगा। उसे कितनी ही भयंकर से ज्यादा भयंकर गैस हो, आफरा हो, वो 15 से 20 मिनट में एकदम नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि इसे हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी आपको हम इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके दिखाएंगे। और जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे जितने भी वीडियोस बनते हैं सारे रियल बनते हैं, और जितनी भी मेडिसिंस मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ वो सारी सबसे पहले हम हमारे फार्म में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अब तक पहुंचाते हैं। तो देखिए हम इसे किस तरह से ये दवा पिलाते हैं। सबसे पहले इस तरह से दो लोग मिलकर बकरी को अच्छे से बकरी को पकड़ लें ताकि दवा फेफड़ों में ना जाए, क्योंकि दवा अगर फेफड़े में चली जाती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो इस तरह से उसे सावधानी से पिला दें। दोस्तों, दवा पिलाते समय ध्यान रहे कि दवा बहुत ही सावधानी से पिलानी है, क्योंकि वो लिक्विड है। और हमेशा बकरे बकरियों को देखते रहें, क्योंकि गैस एक ऐसी समस्या है जो अगर बकरी ज्यादा खा लेती है तो उसे अंडाइजेशन अपच हो जाता है, जिसकी वजह से उसे गैस हो जाती है। इसी के साथ साथ जिस बकरी को गैस हुई है, आफरा हुआ है, उसे सबसे पहले अलग कर दें, क्योंकि गैस और आफरा जब होता है तब भी बकरी खाना चालू रखती है। अगर वो उस समय भी खाती है तो उसकी गैस कभी कम नहीं होगी। तो ऐसे टाइम पे उसको दवा पिला दें जो आपको बताई है, उसके बाद उसे 5 से 6 घंटे के लिए एक अलग पार्टीशन, अलग रूम में कर दें, और उसे उन 5-6 घंटों के अंतराल में सिर्फ 2 या 3 बार 150 से 200 ml पानी पिलाएं, जिससे कि बकरी को डिहाइड्रेशन ना हो और उसके पेट की गैस ठीक हो जाए। तो दोस्तों, बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं, जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, वो समय से आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।